नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी पांचजन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय पूरा भारत राम में हो रखा है, सभी रामलला को लेकर बहुत खुश हैं, सभी अपने अपने घरों में दीपावली मना रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। आप पीछे रथ यात्रा भी देखेंगे जिस पर रामलला, माता सीता और लक्ष्मण विराजमान है। लोग बहुत खुश हैं, सभी हर्षोल्लास से इसको एक त्यौहार की तरह मना रहे हैं, ऐसा मानो जैसे रामलला का जन्मोत्सव हो। आप मेरे पीछे देखेंगे कि कितनी भव्य यात्रा निकल रही है, बैंड, लोग नाच रहे हैं, महिलाएं गाना गा रही हैं। चलिए हम महिलाओं से ही बात करेंगे और अन्य लोगों से ही बात करेंगे और जानेंगे कि रामलला को लेकर उनके मन में क्या प्रतिक्रिया है। क्या नाम है आपका? वैशाली अग्रवाल। बहुत अच्छा, भगवान का इतने सालों बाद भगवान का आज हमारे रामलला का मंदिर बनाए, इसकी खुशी हम कोई बयान नहीं कर सकते। कितने लोगों ने कुर्बानियां दी इसके लिए। सहजालो, मैं दीपिका आम्रपाली रॉयल से हूँ। हमें बहुत खुशी हो रही कि राम जी हमारे घर आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे राम राज्य में ही आ गए, जैसे राम राज्य ही आ गए। ऐसा लग रहा है जैसे राम राज्य हमारे सामने ही आ गया है, जैसे पूरी अयोध्या नगरी सज गई है हमारी। हम लोग तो जैसे लग रहा है अयोध्या में ही चल रहे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे ईश्वर राम आए हैं। लगा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर वान आए हैं। लगा दो घर आगे बोलो गुलशन सा, रामलला कल प्राण प्रतिष्ठा है। आप बड़े सर दस के बड़े अच्छे लग रहे हैं, रामलला से क्या मांग रहे हैं? रामलला से राम राज्य मांग रहे हैं। राम जी आ गए, बस अब राम राज्य शुरू हो रहा, वही मांग रहे हैं। राम जी आ गए तो हमारा देश गौरवान्वित हो गया, पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का नाम नंबर वन है, प्रथम स्थान पर है। और हमारे मोदी जी ने देश को प्रथम राष्ट्र घोषित कर दिया जी। जी जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। हनुमान जी के रूप में राम जी के रूप में मोदी जी और हनुमान जी के रूप में योगी जी आए हैं और ये सदा हमेशा बने रहे दोनों। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। जय श्री राम, जय सिया राम। आपने महिलाओं को भी सुना, उनके मन में एक उमंग यही है कि रामलला के उनको जल्द से जल्द दर्शन हो। जी माता जी क्या कहेंगी आप? जय श्री राम। बहुत खुशी हो रही है कि राम आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, और बस खुशी का उल्लास की तो कोई परवाही की नहीं कह सकते। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे यहाँ बहुत खुशी हो रही है, जय श्री राम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अब राम मंदिर बना है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मन में उमंगे हैं, तरंगे हैं, वातावरण राम में है। सभी बोले जय श्री राम, जय श्री राम। बस मंगलमय उत्सव है, इतना क्राउड देख के दिल गदगद हो गया है। कल लल्ला जी की स्थापना हो के रहेगी। जय श्री राम। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है, एसएन खन्ना जी हैं, मेहरा जी हैं, सुमंत मिश्रा जी हैं।
500 वर्षों के बाद रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है। जी हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, आनंद है। आप क्या कहेंगे रामलला की प्रतिष्ठा पर? ये तो बहुत खुशी का मौका है, ऐतिहासिक मामला है। हम लोग का अवभाग्य है कि ऐसे मौके पे और क्या चाहिए। हम लोगों की किस्मत है जो हम ऐसे मौके पे ये चीज देख रहे हैं। ये मोदी जी ने करा है। जय श्री राम। 22 तारीख बहुत बहुत उत्साह है, लोगों के अंदर रोमांच है, सभी लोग बहुत ही खुश हैं। और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं भगवान रला में, उससे एक दिन पूर्व यहां पे भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं सभी सोसाइटी के सभी निवासी सड़क के ऊपर नाच नाच के इसको जो है बना रहे हैं। इस शोभा यात्रा को लेकर क्या कहेंगे आप? ये शोभा यात्रा पहली बार निकाली जा रही है 500 साल बाद जो भगवान लला का स्थापना हो रही है उनकी, उसके लिए सारे लोग इतने उत्साहित हैं। सारे दुनिया में सिर्फ देश में नहीं, सारी दुनिया में लहर है भगवान राम की। रामचंद्र जी भगवान आ रहे हैं कलयुग में, इंडिया में हनुमान जी का प्रस्थान हो चुका है। अब देश आप कैसे मना रहे हैं कलकत्ता? हम अखंड सुंदरकांड का पाठ हो रहा है हमारे यहाँ सोसाइटी में, और एक भंडारे का आयोजन किया गया है, भव्य एक आयोजन किया गया है हमारी सोसाइटी के अंदर। इस कलश यात्रा के बारे में थोड़ा बताएं। ये कलश यात्रा बहुत ही भव्य यात्रा है और सभी सोसाइटी के लोगों ने इसमें बहुत उत्साहित होकर पार्टिसिपेट किया है और हम लोग भी बहुत उत्साहित हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं। हम लोग ये पांच जन बचपन से पढ़ते आए, हमारे पापा लोग जनसंघ ही रहे हैं। इसका पत्रिका आता था तरुण आदर्श झा, तरुण विजय जाते झंडे वाली जगह से प्रेस होता था। हम लोग बिहार से हैं, जिंदगी भर पांच जन पढ़े, देख करके बहुत गर्व महसूस हो रहा है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और आज इस सनातन धर्म का जो ये विशाल महोत्सव हो रहा है इसका साक्षी बने हैं, इसके लिए बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। जय हो। हमारे यहाँ पर माघुन मेंशन के अंदर आज एक सुबह भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने चिलचिलाती ठंड में भी नंगे पैर सभी लोगों ने, लेडीज और जेंट्स ने, सबने मिलकर पूरी 700 मीटर का एक परिक्रमा करी सोसाइटी की। उसके बाद अखंड ज्योति पाठ रामायण का वो बिठा दिया गया है, और जो 84 सेकंड का कल को जो मुहूर्त है उस समय भगवान का जो प्रतिमा हमने एक छोटा रूप बनाया हुआ है उनका विधिवत उसी तरह से जैसे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसी तरह से हमारी सोसाइटी में भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। जैसा आपने सुना इस समय पूरा भारत राम में हो रखा है, प्रत्येक हिंदू इसको नव वर्ष के रूप में मना रहे हैं, दीपावली के रूप में मना रहे हैं। कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, आप सभी को जय श्री राम।